हेलो एवरीवन, आज हम सर्वेइंग के एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स को उस इंस्ट्रूमेंट को आज भी बताया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट से आज भी रीडिंग्स करवाई जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं टेंजेंट क्लिनोमीटर की। ये है आपके सामने टेंजेंट क्लिनोमीटर। तो हम जानते हैं टेंजेंट क्लिनोमीटर, इसका नाम कैसे हुआ, इसे हम टेंजेंट क्लिनोमीटर क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहिए टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, अगर हिंदी में बात करें तो हम। और क्लिनोमीटर हमारा होता है वर्टिकल एंगल मेजर करने का एक माइनर इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रफली वर्टिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम हुआ है वो हुआ है टेंजेंट क्लिनोमीटर, क्योंकि यहाँ से जो एंगल आता है, जो हम एंगल लेते हैं, वो हमारी जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके टेंजेंट से हमें एंगल मिलता है। ऐसा नहीं है इसके अंदर डायरेक्ट एंगल आ जाए और उसको हम रीड कर लें, हमें टेंजेंट से एंगल लेना होता है। ये हमारा जो एंगल है आधा डिग्री तक मेज़र कर सकता है। तो हम पहले आइए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये आपके सामने टेंजेंट क्लिनोमीटर, जब ये बॉक्स के अंदर होता है तो इस तरीके से रखा हुआ होता है, जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो इस तरीके से इसे हम ओपन कर देते हैं। ये इसकी फिक्सिंग आर्म है, ये हमारा साइट वेन, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर है साइट होल, ये देख लीजिएगा। इधर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये है हमारा इधर ऑब्जेक्ट वेन। इधर आप रीडिंग्स देख सकते हो, ये पॉइंट है, इससे ऊपर रीडिंग 40 डिग्री तक है और इससे नीचे भी रीडिंग 40 डिग्री तक है, किसी किसी में 22 तक होती है, लेकिन इसमें 40 डिग्री तक है। और मिनिमम जो एंगल है यहाँ पर हम आधा डिग्री तक मेज़र कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, ये हमारा बबल ट्यूब है, यहाँ पर एक बबल ट्यूब लगा हुआ है, आप देख सकते हो। जब हम इसे लेवल करते हैं तो ये है एक लेवलिंग स्क्रू, यहाँ से इसे हम लेवल करते हैं। तो इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रफली हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो एंगल है हम आधा डिग्री तक ही पढ़ सकते हैं। और आज जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम एक सेकंड तक एंगल एक्यूरेसी से मेज़र कर सकते हैं और यहाँ हम 30 मिनट तक ही मेज़र कर सकते हैं, वो भी लमसम। तो इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट से एरर आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको एक ऑब्जेक्ट की हाइट इससे हम टेंजेंट क्लिनोमीटर से निकाल के दिखाएंगे, जिससे कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आप जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल रहे हो उस तरफ इसे टारगेट कर लें। और अब हमें क्या करना है, इसे लेवल करना है। तो देखिए यहाँ से लेवल होगा, ये बबल हमारा सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये अभी हमारा लेवल हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से साइट होल से उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। तो मैं वाल का टॉप पोर्शन टारगेट करके बताता हूँ आपको कितना एंगल आ रहा है। अभी जो यहाँ पर एंगल आ रहा है वो आ रहा है 34 डिग्री। हम यहाँ दो काम कर सकते हैं, एक तो ये हमारे साइट होल है ये वाला, इसकी हाइट कैलकुलेट कर लें ग्राउंड से यहाँ तक, होल से ऊपर की जो हमें हाइट मिलेगी वो 10 थीटा के रिलेशन से मिल जाएगी। वो 10 थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की डिस्टेंस हम यहाँ से टेप से कैलकुलेट कर लेंगे, इसके सेंटर से यहाँ से ग्राउंड पर ट्रांसफर करेंगे और वहाँ तक की डिस्टेंस टेप से मेज़र कर लेंगे और एंगल हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ऊपर की हाइट हम 10 थीटा के रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है, पॉइंट को ट्रांसफर कर रहे हैं ग्राउंड पे आपके सामने, ये है मेरे पास यू फॉर्क, इससे मैं पॉइंट को ट्रांसफर कर रहा हूं ग्राउंड पे। तो ये क्या है, हमने यू फॉर्क और प्लम बॉब की हेल्प से इस वाले पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहां से और उस बाल तक की डिस्टेंस मेजर करनी है टेप से, जो हमें बेस मिलेगा। दीवार से टच कर देना, यहां आप देख सकते हो ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है 6.27 मीटर, ये हमारा बेस हो जाएगा। इसको हमें नोट कर लेना है, हमें ऊपर का एंगल मिल गया, हमें बेस की लंबाई भी मिल गई। अब हमें क्या करना है,
यहाँ तक कि हाइट कैलकुलेट करनी है टेप से। आप चाहें तो बॉटम का भी एंगल मेजर कर सकते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, तब भी हम क्या है इसकी हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर टेप से मेज़र कर लेता हूँ कि हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी होगी। इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमारी क्या होगी, ग्राउंड से लेके और जो हमारा साइट होल है उसके सेंटर तक कितनी हाइट है, ये देख लीजिएगा। ये जो होल है उसकी सीध में मैंने इसको रखा हुआ है और ग्राउंड पर देखते हैं हमारा कितना आएगा, कितना है, 1.32। हमारे इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो आई है वो आई है 1.32 मीटर। इससे हम बाकी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये है कैलकुलेशन। हमें वॉल की टोटल हाइट कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमें बेस की लेंथ पता होनी चाहिए जो है 6.27 मीटर। हमें इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता होनी चाहिए जो है 1.32 मीटर। और हमें वर्टिकल एंगल पता होना चाहिए जो है 34 डिग्री। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें टोटल हाइट कैसे मिलेगी, हमें HI में स्मॉल H को प्लस कर देना है। स्मॉल H क्या है, जो हमारा साइट होल है या फिर आई होल है उससे जो ऊपर की हाइट है वो हमारी स्मॉल H बोली जाएगी। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो HI है 1.32 प्लस जो हमारा H किसके बराबर, tan थीटा L के। तो tan 34 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितनी है, 6.27 मीटर। तो इसे जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगी जो हमारी 5.54 मीटर होगी। दोस्तों हमें याद रखना है कि जो टेंजेंट क्लाइनोमीटर का हम यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल के साथ यूज़ करते हैं, और जब इससे हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालें तो हमें ध्यान रखना है कि उस ऑब्जेक्ट का प्लेन और जहाँ हमारा प्लेन टेबल का सेंटर है वो दोनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। क्योंकि अगर हमारा ऐसा नहीं होगा तो जो बेस है उसमें मान के चलिए ढलान है, तो टेन थीटा का रिलेशन हम नहीं लगा सकते। क्योंकि टेन थीटा का रिलेशन हम वहीं लगा सकते हैं जहाँ बेस और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। अगर स्लोप होगा तो हम उसको यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे उस फॉर्मूले को। तो ध्यान ये रखना है दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होंगे तो एरर बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसमें जो एरर होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।